बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम और टू ड्यूटी पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, दिस पोएम इज़ रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, एंड एज यू नो वेरी वेल दैट विलियम वर्ड्सवर्थ वाज वेरी फेमस रोमांटिक पोइट, और इनकी और इनके फ्रेंड सैमुएल टाइलर कॉलरिज की जॉइंट एफर्ट से जो है वो रोमांटिसिज्म मूवमेंट इंग्लिश लिटरेचर में स्टार्ट हुई थी। इन्होंने अपनी जॉइंट एफर्ट से लिरिकल बैलेट के नाम से एक पोइम्स का वॉल्यूम पब्लिश करवाया था 1798 में। तो वहीं से रोमांटिक मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हुई थी। तो स्टूडेंट्स, ऑड टू ड्यूटी पढ़ने से पहले मैं आपको ऑड के बारे में बता दूं। ऑड क्या होता है स्टूडेंट्स? एन ऑड इज़ अ लिरिक पोएम, ठीक है, एंड इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ एड्रेस। यू नो, एड्रेस किसी को मुखातिब करने की फॉर्म में होती है, और इसमें किसी चीज़, इंसिडेंट या किसी भी स्पेसिफिक फिगर को जो है ना वो एड्रेस किया जाता है। एंड यूजुअली इट इज़ रिटन टू ग्लोरीफाई द ऑब्जेक्ट, इंडिविजुअल और एन इंसिडेंट, किसी भी चीज़ की यू नो शान व शौकत को बयान करने के लिए, उसको ग्लोरीफाई करने के लिए, उसकी प्रेस में ये जो है ना वो लिखी जाती है। तो अब ये जो ऑड टू ड्यूटी है, एक्चुअली ऑड टू ड्यूटी रिवील्स दैट विलियम वर्ड्सवर्थ हैज़ अ ग्रेट कंसर्न विद मॉरल एंड एथिकल वैल्यूज एंड स्पेशली डिवोशन टू ड्यूटी। विलियम वर्ड्सवर्थ का ख्याल है कि ड्यूटी पे के रास्ते पे चलते हुए एक इंसान जो है वो कामयाबियों की बुलंदियों तक जा सकता है, और उसका इंसानियत के लिए सबसे बड़ा मैसेज ही ये है कि एक मतलब बड़ा सिग्निफिकेंट मैसेज उन्होंने दिया है कि प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग। तो वो ड्यूटी को एक्चुअली एक डिवाइन पोस्टुलेट के तौर पर लेता है। वो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स की एग्जांपल देता है कि ये हेवनली बॉडीज जो हैं वो किस तरह अपनी ड्यूटी परफॉर्म करती हैं और सिस्टम को मेंटेन रखती हैं, और इंसान को भी इन नेचुरल ऑब्जेक्ट्स से सबक सीखना चाहिए और कायनात की इस ड्यूटीफुल स्कीम को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। और वो ह्यूमैनिटी को एक ड्यूटीफुल लाइफ स्पेंड करने का मैसेज देता है इसमें, इस पोएम में। और वो कहता है कि नेचुरल ऑब्जेक्ट्स, ये हेवनली बॉडीज जो हैं ये डम्ब हैं, स्पीचलेस हैं, लेकिन फिर भी ये अपने ड्यूटीफुल यू कैन से के नेचर के वजह से लोगों को एजुकेट करते हुए नज़र आते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये पोएम जो है ना, हम स्टार्ट करते हैं। ये पोएम जो है एक एपिग्राफ के साथ स्टार्ट होती है, एंड दिस एपिग्राफ इज़ टेकन फ्रॉम सेनेका लेटर्स एंड इट इज़ रिटन इन लैटिन लैंग्वेज। तो ये लैटिन में लिखा गया है, तो हम लोग इसका मीनिंग देखते हैं क्या है। आई एम नो लॉन्गर गुड थ्रू डेलिब्रेट इंटेंट, बट बाई लॉन्ग हैबिट हैव रीच्ड अ पॉइंट वेयर आई एम नॉट ओनली एबल टू डू राइट बट आई एम अनएबल टू डू एनी थिंग बट वट इज़ राइट। यानी कि इसमें क्या राइटर कहना चाह रहा है कि असल में मैं जो हूँ ना जानबूझकर यानी कि डेलिब्रेटली अपनी इंटेंशंस में इतना अच्छा नहीं हूँ, बल्कि बहुत ज़्यादा अरसा प्रैक्टिस करने के बाद मैं अब इस मुकाम पे पहुँचा हूँ कि मैं ना सिर्फ सही काम कर सकता हूँ बल्कि मैं वो कुछ भी करने के काबिल नहीं हूँ जो सही नहीं है, यानी कि गलत मैं कर ही नहीं सकता हूँ, ठीक है। तो अब हम लोग ऑटो ड्यूटी को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, फर्स्ट इसकी स्टांजा इसका देखें। स्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड, ओ ड्यूटी इफ दैट नेम द लव हु आर्ट अ लाइट टू गाइड अ रॉड टू चेक द एरिंग एंड रिप्रूव दो हु आर्ट विक्ट्री एंड लॉ व्हेन एम्प्टी टेरर्स ओवर ऑ when from vain temptations tossed set free and calms the weary strife of frail humanity। स्टूडेंट्स, इस स्टैंसा में स्पीकर ड्यूटी को परसोनीफाई करता है, परसोनीफाई करके एड्रेस करता है, और उसे क्या कहता है, स्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड ओ ड्यूटी, ठीक है। ड्यूटी को क्या कहता है, स्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड, यानी कि खुदा की आवाज़ की बेटी। और फिर इसको इस तरह से मुखातिब करने के बाद वो उसकी यूज़फुल क्वालिटीज़ को डिस्क्राइब करना शुरू करता है। वो कहता है कि ए खुदा की आवाज़ की बेटी, हु आर अ लाइट टू गाइड, तुम एक रोशनी हो जो गाइड करती है, रहनुमाई करती है, और रॉड टू चेक द एरिंग एंड रिप्रूव, और तुम एक रॉड का काम करती हो यानी कि छड़ी का काम करती हो एरर्स को चेक करने के लिए, एरर्स को ख़त्म करने के लिए,
ठीक है। और फिर वो मजीद क्या कहता है कि तुम इंसान को इसकी वेन टेम्पटेशन से, यानी कि बेकार बेकार किस्म की लालच से आज़ाद करती हो। फ्रॉम वेन टेम्पटेशन टॉस्ट सेट फ्री, यानी कि स्टूडेंट्स आपको पता है जब इंसान को अपने फ़र्ज़ का एहसास होता है ना, तो वो बेकार लालच में नहीं पड़ता है। जब इंसान को अपनी ड्यूटी का एहसास होता है, जब उसे पता होता है कि मैंने अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी है, तो वो बेकार किस्म की लालच में नहीं पड़ता, करप्शन में नहीं पड़ता। जब उसे ड्यूटी का एहसास नहीं होता ना, तो वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म ना करना भी तो एक तरह की करप्शन है ना। तो उसको ये होता है कि मुझे बगैर ड्यूटी परफॉर्म किए हुए जो है वो मुझे सब कुछ मिल जाए और मैं सिर्फ जो है ना आराम में वक्त गुजारूं और सब कुछ हासिल भी करता रहूं। तो इस तरह से क्या होता है कि ना वो बेकार लालच में पड़ जाता है, और यही लालच इंसान को करप्शन की तरफ है ना वो ले जाता है। ठीक है। और वो फिर वो कहता है, ड्यूटी सिक एंड काम इज द वेरी स्ट्राइव फॉर फ्रेल ह्यूमैनिटी। तुम फ्रेल ह्यूमैनिटी को, कमज़ोर सी इंसानियत को, इस वेरी स्ट्राइव से, इस थका थका देने वाली जो स्ट्राइफ है ना, उसको कश्मकश से जो है वो उसको सुकून की तरफ ले जाती हो। ठीक है। इंसान को ज़मीर की कश्मकश से निकाल लेती हूँ। अगर आप ड्यूटी अपनी अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपका ज़मीर मुतमईन रहता है, उसमें किसी किस्म की कश्मकश नहीं होती है। तो ड्यूटी इंसान को कामनेस की तरफ, सुकून की तरफ लेके जाती है। नेक्स्ट आप स्टांजा देखें, देयर हु आस्क नॉट इफ दाइन आईज बी ऑन देम हु इन लव एंड ट्रूथ वेयर नो मिसगिविंग इज रिलाई अपॉन द जेन्युइन सेंस ऑफ यूथ। अब यहाँ पे उन लोगों के लिए जो है ना वर्ड्सवर्थ बात कर रहा है जो कि ड्यूटी की पावर को नहीं समझते, वो उनके लिए, हम एंड पे स्टंजा में देखेंगे कि वो इनके लिए ड्यूटी से डिलीवरेंस की दुआ करता है, यानी कि माफ़ी की दुआ करता है। ड्यूटी से कहता है कि इनको माफ़ कर दो ऐसे लोगों को। तो क्या कहते हैं, देयर आर हु, या ऐसे लोग भी हैं हु आस्क नॉट इफ दाइन आइज, जो तुम्हारी आंखों के लिए को यानी कि तुम्हारी गाइडेंस जो है ना वो नहीं चाहते हैं, तुम्हारी गाइडेंस हासिल करने की कोशिश नहीं करते। इफ़ दाइन आईज बी ऑन देम हु इन लव एंड ट्रूथ फिर नो मिसगिविंग इज रिलाई अपॉन द जेन्युइन सेंस ऑफ यूथ, अपॉन द जेन्युइन सेंस ऑफ यूथ, यानी कि उन्हें अपनी, वो समझते हैं कि वो बहुत अक्लमंद हैं और अपनी अक्ल से गाइडेंस हासिल कर सकते हैं। ठीक है। तो वो अपनी रीज़न को ना, अपनी अक्ल को वो अपनी गाइडेंस का जरिया समझते हैं, यूथ सॉरी ड्यूटी से गाइडेंस हासिल नहीं करते। तो स्पीकर क्या कहता है कि ग्लैड हार्ट्स विदाउट रिप्रोच और ब्लॉट हु डू दाई वर्क एंड नो इट नॉट। ठीक है। ओ इफ थ्रू कॉन्फिडेंस मिसप्लेस्ड दे फेल दिस दाई सेविंग आर्म्स ड्रेड पावर अराउंड देम कास्ट। तो कहते हैं ऐसे लोग जो अपने ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से नाकाम हो जाएं, नाकाम वो हो जाते हैं, तो उनकी तुम हिफाजत करो, तुम्हारे सेविंग आर्म्स जो है ना उसकी हिफाजत करें, क्योंकि ये इनका ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो इनकी नाकामी की वजह है। स्टूडेंट्स मिसाल के तौर पे जब आप स्टूडेंट है ना, तो आपका काम है कि आप अपनी ड्यूटी परफॉर्म करो, अपना लेसन लर्न करो, वक्त पे लर्न करो, तो ये आपकी ड्यूटी है। लेकिन आप लोग समटाइम्स अपनी रीज़न को जो है ना वो उससे गाइडेंस हासिल करने की कोशिश करते हो। आप समझते हो कि आप अभी नहीं, छोड़ दो छोड़ दो, तो आप जो है पेपर्स के नज़दीक, एग्जाम्स के नज़दीक सारा कुछ कवर कर लोगे, ऐसा ही होता है ना। तो क्या होता है कि वो ड्यूटी आप जो वक्त पे परफॉर्म नहीं करते हो, लेकिन जब एग्ज़ाम करीब आते हैं, तो इतना सारा सिलेबस इकट्ठा देख के आपकी तो आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से जो है ना फेल हो जाते हैं। फिर भी अगर उस वक्त भी आके आप जो है वो परेशान होने के बजाय ड्यूटीफुल होकर, उतने से दिनों में भी थोड़ा बहुत जो है वो आप अपनी ड्यूटी को परफॉर्म कर लो, अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर लो, तो क्या होता है, यही ड्यूटी जो है वो, इसी ड्यूटी को फॉलो करने की वजह से फिर आप कामयाब भी हो सकते हो। तो नेक्स्ट जो है वो क्या कहते हैं, सीरेन विल बी आवर डेज एंड ब्राइट एंड हैप्पी विल आवर नेचर बी व्हेन लव इज़ एन अनएरिंग लाइट एंड जॉय इट्स ओन सिक्योरिटी। अब उन लोगों के लिए ये बात की जा रही है जो कि ड्यूटी को फॉलो करते हैं। कहते हैं, शायर कहता है कि अगर हम ड्यूटी को फॉलो करेंगे, सीरेन विल बी आवर डेज एंड ब्राइट, हमारे दिन पुरसकून और रोशन होंगे, एंड हैप्पी विल आवर नेचर बी, और हमारी फितरत खुश होगी, हमारी नेचर खुश हो जाएगी। लव इज़ एन अनएरिंग लाइट, और अनएरिंग होता है एक्यूरेट,
और मोहब्बत बिल्कुल एक्यूरेट रोशनी होगी हमारे लिए, एंजॉय इट्स ओन सिक्योरिटी, और हमारी जॉय जो है वो सिक्योर होगी, हमारी खुशी महफूज हो जाएगी। एंड दे अ ब्लिसफुल कोर्स में होल्ड इवन नाउ हु नॉट अनवाइजली बोल्ड, कहते वो लोग हत्ता कि अब भी जो कि अपनी अनवाइजली बोल्डनेस को छोड़ दें, वो अब भी जो है वो एक ब्लिसफुल कोर्स हासिल कर सकते हैं, यानी कि उनका रास्ता आज भी खुशगवार हो सकता है अगर वो अपने ओवर कॉन्फिडेंस को छोड़ दें और ड्यूटी को का एहसास कर लें, तो उनका रास्ता जो है ना आज भी ब्लिसफुल हो सकता है। लिव इन अ स्पिरिट ऑफ दिस क्रीड, और फिर अगर वो इसी क्रीड की स्पिरिट में रहें, इसी अकीदे में जिए कि हमने ड्यूटी को परफॉर्म करना है, येट सीक दाई फर्म सपोर्ट अकॉर्डिंग देयर टू देयर नीड, और तुम्हारी सपोर्ट चाहें अपनी ज़रूरत के मुताबिक, जितनी उनको ज़रूरत है उसके मुताबिक तुम्हारी सपोर्ट चाहें, यानी कि ड्यूटी की सपोर्ट चाहें, तो फिर भी वो अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, उनका रास्ता खुशगवार हो सकता है। तो शायर क्या कहना चाह रहे हैं, वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो लोग ड्यूटी को फॉलो करेंगे वो सुकून से सो सकेंगे, और उनकी पर्सनैलिटी उनकी खुशी को रिफ्लेक्ट करेगी। ड्यूटी को फॉलो करने से उन लोगों का रास्ता सिक्योर हो जाएगा, और टेम्पटेशंस अनहेल्दी किस्म की जो टेम्पटेशंस हैं वो उन्हें गुमराह नहीं कर सकेंगी। सिक्स स्टैंजा हम देखते हैं, क्या कहते हैं, आई लविंग फ्रीडम एंड अनट्राइड, नो सपोर्ट ऑफ एवरी रैंडम गस्ट, येट बींग टू माई सेल्फ अ गाइड, टू ब्लाइंडली हैव रिपोज्ड माई ट्रस्ट, एंड ऑफ वेन इन माई हार्ट वॉज हर्ड दाई टाइमली मैंडेट, आई डेफर्ड द टास्क इन स्मूद वॉक्स टू स्ट्रे, बट दी आई नाउ वुड सर्व मोर स्ट्रिक्टली इफ आई मे। पोइट इसमें क्या कहना चाह रहा है, पोइट इसमें आप कन्फेस करता है कि मैंने भी ड्यूटी को फॉलो नहीं किया, ठीक है। वो क्या कहते हैं, आई लविंग फ्रीडम एंड अनट्राइड, मैं भी आज़ादी से मोहब्बत करता हूँ और मैंने ट्राई नहीं किया, यानी कि ड्यूटी को फॉलो करने की कोशिश नहीं की। यू नो, ड्यूटी को अगर आप फॉलो करेंगे, ड्यूटी परफॉर्म करना तो करेंगे, तो आप तो बाउंड हो जाएंगे, आपकी आज़ादी ख़त्म हो जाएगी। तो पोइट क्या कह रहे हैं कि मैं भी आज़ादी से मोहब्बत करता हूँ, मैं आज़ादी से मोहब्बत करता हूँ इसलिए मैंने ट्राई नहीं किया कि मैं ड्यूटी को फॉलो करूँ। लेकिन वो क्या कहते हैं, नो सपोर्ट ऑफ एवरी रैंडम गस्ट, मैंने हर तरह के फिर भी हर बेतरतीब झोंके का जो है ना सपोर्ट इंजॉय नहीं किया, ठीक है। और येट बींग टू माई सेल्फ अ गाइड, लेकिन फिर भी कहते हैं मैंने खुद अपना गाइड बनने की कोशिश की, अपना गाइड बनकर जो है वो टू ब्लाइंडली हैव रिपोज्ड माई ट्रस्ट, अपने आप पर अंधा एतमाद किया। एंड ऑफ्ट वेन इन माई हार्ट वॉज हर्ड, और फिर जब मेरे दिल में वो आवाज़ सुनाई दी, द टाइमली मैंडेट आई डेफर्ड, तुम्हारा टाइमली मैंडेट, तुम्हारा बर वक्त हुक्म जब मैंने अपने दिल में सुनाई दिया मुझे, आई डेफर्ड, तो मैंने मुलतवी कर दिया द टास्क स्मूदर वॉक्स टू स्ट्रे, वो काम जो मुझे भटकने के लिए, जो मुझे भटकने के रास्ते पर स्मूदली चला रहा था, ठीक है ना, मैंने हर वो काम जो है वो डेफर कर दिया, मुलतवी कर दिया। अब वो क्या कहता है, बट दी आई नाउ वुड सर्व मोर स्ट्रिक्टली, लेकिन अब मैं तुमको सख्ती से सर्व करूंगा, सख्ती से फॉलो करूंगा, इफ आई मे, क्या मैं कर सकता हूँ। अब वो उसे इजाजत ले रहा है, ठीक है। इस स्टैंजा में वर्ड्सवर्थ ने, यानी कि स्पीकर ने, कन्फेस किया है कि वो ड्यूटी को फॉलो करने में नाकाम रहा था, वो नौजवान था इसलिए उसने अपनी फ्री विल को मिसयूज़ किया। अगरचे उसने हर सपोर्ट को अवेल नहीं किया, अगरचे हर टेम्पटेशन को फॉलो नहीं किया, मगर फिर भी वो रियलाइज़ करता है कि उसने अपनी ख्वाहिशात पर ज़रूरत से ज़्यादा इन्हसार किया था। मगर जब वो दोबारा से ड्यूटी की गाइडेंस वॉइस को सुनने के काबिल हुआ, तो उसने अपना रास्ता बदल लिया और उसका रास्ता आसान हो गया, और अब उसने ड्यूटी को बहुत सख्ती से फॉलो करने का फैसला कर लिया है। लेकिन वो एंड पे क्या कहते हैं, अगर ड्यूटी उसे ऐसा करने की इजाज़त दे तो वो ऐसा करेगा। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट स्टैंजा में, थ्रू नो डिस्टर्बेंस ऑफ माई सोल और स्ट्रॉन्ग कंपंक्शन इन माई रॉट, आई सप्लिकेट फॉर दाई कंट्रोल, बट इन द क्वाइटनेस ऑफ थॉट। अब वो कहते हैं कि मैं अपनी बेखलल रूह के ज़रिए और बहुत सख्त मजबूरी में तुम्हारे कंट्रोल में आने की दुआ करता हूँ, यानी कि मैं अब मजबूर हो चुका हूँ, और अब मैं अपनी रूह के जो है ना वो एजिटेशन से, वो अब राइटर पोइट जो है ना वो मजबूर हो चुका है, और अब वो ड्यूटी से कहते हैं कि मैं तुम्हारे कंट्रोल में आने की दुआ करता हूँ, मैं अपनी सोच की खामोशी में, मी इन दिस अनचार्टेड फ्रीडम टायर्स,
अनचार्टेड फ्रीडम, यानी कि गैर मुनज़्ज़म आज़ादी से, जो इधर उधर भटकता फिरता हूँ, इस आज़ादी से मैं थक चुका हूँ। आई फील द वेट ऑफ चांस डिज़ायर्स। और भी जो कभी कोई ख्वाहिश, कभी कोई ख्वाहिश मैं इनको फॉलो कर रहा हूँ ना, इनके इनका मुझे वज़न महसूस होता है, मुझे ये बोझ लगती हैं। माई होप्स नो मोर मस्ट चेंज देयर नेम। अब मेरी उम्मीदों को अपना नाम बार बार तब्दील नहीं करना पड़ेगा, यानी कि अब मेरी ख्वाहिशात कभी ये कभी वो कभी ये कभी वो, इन ख्वाहिशात के पीछे नहीं मैं भागूंगा, बार बार ये चेंज नहीं होंगी। आई लॉन्ग फॉर अ रिपोज दैट एवर इज़ द सेम। और मैं उस आराम की ख्वाहिश करता हूँ, उस सुकून की ख्वाहिश करता हूँ जो हमेशा एक जैसी रहेगी। अब इस स्टांसा में क्या कहता है स्पीकर, असल में अब स्पीकर ने इस हकीकत को पा लिया है कि वो ड्यूटी से, मतलब पीछा छुड़ाने की वजह से, ख्वाहिशात के पीछे भागने की वजह से उसकी रूह एजिटेटेड हो गई है, उलझ गई है। और वो उसकी एजिटेटेड सोल ने उसे ऐसे काम करने पे मजबूर कर दिया है जिसने उसका जहनी सुकून तबाह कर दिया। और इन जज्बात से पीछा छुड़ाने के लिए वो ड्यूटी को फॉलो करना चाहता है अब, ताकि वो अपने जज्बात पर, ख्वाहिशात पर काबू पा सके। शायर एक्चुअली अपनी ज़िंदगी को अब खुद कंट्रोल करना चाहता है, इन्हें ख्वाहिशात के अंडर कंट्रोल नहीं रहने देना चाहता अपनी ज़िंदगी को। वो नहीं चाहता कि वो इंसानी जज्बात के अंडर कंट्रोल आ जाए, तो अब वो ज़िंदगी में ठहराव लाना चाहता है, ऐसा सुकून चाहता है जो सेम रहे हमेशा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, क्या कहते हैं, येट नॉट द लेस वुड आई थ्रू आउट स्टिल एक्ट अकॉर्डिंग टू द वॉइस ऑफ माई ओन विश एंड फील पास्ट डाउट दैट माई सॉरी दैट माई सबमिसिवनेस विल वॉज चॉइस। क्या कह रहे हैं कि फिर भी, येट नॉट द लेस वुड आई थ्रू आउट स्टिल एक्ट अकॉर्डिंग टू द वॉइस ऑफ माई ओन विश, इसके बावजूद कहते हैं मैं कोई कमी नहीं छोड़ूंगा, मैं अब भी अपनी ख्वाहिश की आवाज के मुताबिक काम करूंगा। एंड फील पास्ट आउट दैट माई सबमिसिवनेस वॉज चॉइस। और मैं रियलाइज करता हूं कि मैंने अपनी फ्री विल का जो इस्तेमाल किया वो मेरी अपनी चॉइस था। नॉट सीकिंग इन द स्कूल ऑफ प्राइड, लेकिन कहते हैं मैं अब प्राइडफुल नहीं रहूंगा। फॉर प्रिसेप्ट्स ओवर डिग्निफाइड, क्योंकि मेरी नफ्स के ओवर डिग्निफाइड अहकाम जो हैं, डैनियल एंड रेस्ट्रेंट आई प्राइज, उनको इनकार करने में और उनसे बचने में को मैं वक्त देता हूँ। ठीक है, जो मेरी मेरे नफ्स के ओवर डिग्निफाइड अहकाम जो हैं, मुझे बहुत ज़्यादा रूल करते हैं ना, मेरा नफ्स मुझे अहकाम मुझ पर जारी करता है, मैं उनको इनकार करने पे और उनसे बचने को जो है ना वक्त देता हूँ, उसको प्राइज करता हूँ। नो फादर देन दे ब्रीड अ सेकेंड विल मोर वाइज, नो फादर देन दे ब्रीड अ सेकेंड विल मोर वाइज। कहते हैं अब वो वक्त दूर नहीं है कि मेरी सेकेंड विल, यानी कि जब मैं दूसरी दफ़ा अपनी फ्री विल जो है यूज़ करूँगा, वो ज़्यादा वाइज होगी, यानी अब अपनी फ्री विल को वाइजली यूज़ करूँगा। इस स्टैंजा में स्पीकर का एक्चुअली रियलाइजेशन हमें नज़र आती है, वो रियलाइज़ करता है कि वो ड्यूटी को फॉलो करने में फेल रहा, मगर वो कहते हैं कि वो अब भी अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक काम करेगा, मगर पहले से ज़्यादा अपनी फ्री विल को जो है वाइजली यूज़ करेगा। पहले उसने अपनी फ्री विल का गलत इस्तेमाल किया, लेकिन कहते हैं अब मैं अपनी फ्री विल पर गुरूर नहीं करूँगा, मेरा नफ्स जो मुझे गलत काम के लिए ऑर्डर करेगा, मैं उसे डिनाई करने को तरजीह दूंगा। अब भी अपनी फ्री विल को यूज़ करूँगा, मगर अब ये विल वाइजली यूज़ करूँगा। ठीक है, सेवन स्टैंड देखे, स्टर्न लॉगिवर येट दो डोस्ट फियर द गॉड्स हैड मोस्ट बिनाइनेंट ग्रेस नॉर नो वी एनी थिंग सो फेयर एज इज द स्माइल अपॉन द फेस फ्लावर्स लॉफ बिफोर दी ऑन देयर पैड्स एंड फ्रेग्रेंस इन दाई फूटिंग थ्रेड्स दो डोस्ट प्रिजर्व द स्टार्स फ्रॉम रॉन्ग एंड द मोस्ट एंशियंट हेवंस थ्रू दी आर फ्रेश एंड स्ट्रोंग। अब यहाँ पे वो ड्यूटी को स्टर्न लॉगिवर कह के मुखातिब कर रहे हैं। लॉगिवर यानी कि, लॉगिवर क्या होता है, कानूनदान, लॉ देने वाला, स्टर्न सख्त कानूनदान। येट दो टोस्ट वेयर द गॉड्स हैड मोस्ट बिनाइन एंड ग्रेस, कहते हैं कि ऐ सख्त कानूनदान, फिर भी तुम खुदा का सबसे मेहरबान फजल रखती हो। ठीक है, वो क्या कहते हैं,
नॉर नो वी एनी थिंग सो फेयर एज इज अ स्माइल अपॉन दाई फेस। कहते क्योंकि देखो तुम्हारे चेहरे पे जो है वो मुस्कुराहट है। फ्लावर्स लाफ बिफोर दी ऑन देयर बेड्स, तुम्हारे सामने फूल अपनी क्यारियों में मुस्कुराते हैं। एंड फ्रेग्रेंस इन दाई फूट ट्रेड्स, और जो फ्रेग्रेंस है ना, जो खुशबू है वो तुम्हारे कदमों तले है। फूलों की खुशबू तुम्हारे कदमों तले, इसका ये सिंबॉलिक यहाँ पे बात है कि जो फूल हैं वो मुस्कुरा क्यों रहे हैं, क्योंकि ड्यूटीफुली किसी ने उनको यहाँ तक पहुँचाया है, किसी ने ड्यूटी से उनको पानी दिया है, उनकी केयर की है। अब वो कहते हैं कि उसकी उनकी खुशबू तुम्हारे पैरों तले है, यानी कि उनकी खुशबू, उनमें अगर खुशबू पैदा हुई है ना, तो वो उस वजह से पैदा हुई है, ड्यूटी की वजह से पैदा हुई है। ठीक है। और दूसरी ये कि चूंकि फूलों का काम, फूलों की ड्यूटी है खुशबू प्रोवाइड करना, वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। ठीक है। उसके बाद देखें, दो डॉस प्रिजर्व द स्टार्स फ्रॉम रॉन्ग, तुम सितारों को गलती से बचाती हो। एंड द मोस्ट एंशियंट हेवंस, और ये बहुत कदीम आसमान, थ्रू दी तुम्हारी वजह से आर फ्रेश एंड स्ट्रॉन्ग, फ्रेश और स्ट्रॉन्ग है। इस स्टैंजा में स्पीकर एविडेंस दे रहा है, एविडेंस दे रहा है कि ये जो खुदा का ठीक ठीक निज़ाम चल रहा है, सॉरी कुदरत का ठीक ठीक निज़ाम चल रहा है, ये ड्यूटी की वजह से है। इसलिए कि वो इसलिए इसी वजह से वो ना ड्यूटी को स्टर्न लॉ गिवर, यानी कि सख्त कानूनदान कह रहा है। वो मजीद कहता है कि तुम खुदा का फजल हो, और इंसान का दिल सिर्फ इसी सूरत में इस चीज़ को समझ सकता है अगर वो नेचुरल लॉ को देखे जो इस ड्यूटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। नेचुरल लॉ जो है ना, ये नेचर में जितनी भी चीज़ें हैं ये ड्यूटी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। इवन के फूल और सितारे इसका सबूत हैं। फूल खूबसूरती और खुशबू पैदा करके अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, और सितारे आसमान पर हर तरफ रोमिंग नहीं कर रहे, भटकते नहीं फिर रहे, बल्कि एक जगह रह कर कायनात में अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट एंड द लास्ट स्टैंजा, टू हम्बलर फंक्शंस ऑफ फुल पावर आई कॉल दी, आई माई सेल्फ कमेंड एंड टू दाई गाइडेंस फ्रॉम दिस आर, ओ लेट मी लेट माई वीकनेस हैव एन एंड, गिवन टू मी मेड लोली वॉइस द स्पिरिट ऑफ सेल्फ सेक्रीफाइस, द कॉन्फिडेंस ऑफ रीजन गिव एंड इन द लाइट ऑफ ट्रूथ Thy bondman, let me live. वो क्या कहता है, टू हम्बलर फंक्शंस, आजाना कामों के लिए, ऑफ फुल पार और बेपनाह ताकत के लिए, और आई कॉल दी, मैं तुम्हें पुकारता हूँ, आई माई सेल्फ कमेंड, मैं तुम्हारी तारीफ, मैं खुद तुम्हारी तारीफ करता हूँ, तुम्हारी गाइडेंस की तारीफ करता हूँ, अन टू दाई गाइडेंस फ्रॉम दिस आर, इस वक्त से, इस आर से, इस घंटे से मैं तुम्हारी गाइडेंस की तारीफ करता हूँ। ओ लेट माई वीकनेस हैव एन एंड, ओ मेरी वीकनेस इसको ख़त्म कर दो, गिव अन टू मी मेड लोली वाइज, और मुझे वाइज बना दो, मुझे अकल और फहम का एतमाद दे दो, द स्पिरिट ऑफ सेल्फ सेक्रीफाइस, और जो है मुझे सेल्फ सेक्रीफाइस का जज्बा अता कर दो, द कॉन्फिडेंस ऑफ रीजन गिव, मुझे अपनी रीज़न का, अपनी अकल का कॉन्फिडेंस दे दो, एंड इन द लाइट ऑफ ट्रूथ, और सच की रोशनी में, दाई बॉन्ड मैन लेट मी लीव, अपने बॉन्ड मैन होता है गुलाम, सर्वेंट, तो अपने गुलाम को सच की रोशनी में रहने दो। अब शायर इसमें क्या कह रहा है, शायर इसमें कह रहा है ड्यूटी को फॉलो करने के लिए इंसान को आजिज़ होना पड़ता है। ठीक है। उस और इस आजानापन से उसको बेपनाह ताकत हासिल होती है, जबकि प्राइड जो है वो डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जाता है। ड्यूटी के रास्ते को छोड़ देना इंसान को ख़त्म कर देता है, उसके दिलो दिमाग को तबाह कर देता है। स्पीकर यहाँ पे ड्यूटी से इल्तजा करता है कि उसमें गाइडेंस उसे गाइडेंस प्रोवाइड करे, उसे गाइड करे ताकि वो मजबूत बन सके, उसकी कमजोरियाँ ख़त्म हो सकें। जब इंसान ख्वाहिशात का गुलाम बन जाता है ना, तो वो तबाही की तरफ चला जाता है, जबकि जब वो ड्यूटी का बॉन्ड मैन यानी कि सर्वेंट बन जाता है, ड्यूटी का स्लेव बन जाता है, तो उसका दिल जो है वो और उसका जहन जो है वो आज़ाद हो जाता है। और स्पीकर यहाँ पे सेल्फ सेक्रीफाइस का जज्बा भी चाहता है।
ठीक है, वो कॉन्फिडेंस ऑफ रीज़न चाहता है, और सबसे बढ़कर वो सच्चाई की रोशनी में जीना चाहता है। वो चाहता है कि उसे वो चाहता है कि ऐसा जो है ना, वो सिर्फ क्या कर सकता है, कब कर सकता है, जब वो खुदा की बेटी यानी ड्यूटी को सुनकर और उसे फॉलो करे, तो वो तब ही वो इन सारी चीज़ों को गेन कर सकता है। तो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट ऑटो ड्यूटी। नेक्स्ट लेक्चर में हम माय हार्ट लीप्स अप बाय विलियम वर्ड्सवर्थ डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।